नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उमंग एवं उत्साह के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। कांकेर में 74वां गणतंत्र दिवस का पर्व जिला मुख्यालय के नरहरदेव मैदान में संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी ने किया ध्वजारोहण। परेड की भीली सलामी। शिशुपाल सोरी ने किया मुख्यमंत्री का संदेश वाचन किए। हर्ष फायर रश्मि परेड द्वारा किया गया महामहिम राष्ट्रपति की जय उद्घोष। मार्च पास्ट पीटी एवं छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की, वहीं विभागीय झांकी का भी प्रदर्शन किया गया। सभी विजेताओं को मेडल व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीजी फर्स्ट न्यूज कांकेर ब्यूरो चीफ मुकेश जैन सभी विजेताओं को मेडल व पुरस्कार से सम्मानित किए। पहले तो मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। गणतंत्र दिवस है तो इसलिए मनाया जाता है कि हम मूल्यांकन करते हैं सफल आयोजन। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, हमारी देश, हमारा जो प्रदेश है, हमारी जनता किधर जा रही है। और आज ये बड़ा उल्लासपूर्ण वातावरण आज यहाँ पे देखने को मिला, खासकर छात्र छात्राओं को। दो वर्ष कोरोना की वजह से उनको अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिला था, तो आज मैं देखा कि बच्चियाँ बड़े उत्साह से उन्होंने भाग लिया और बहुत अच्छे उन्होंने कार्यक्रम भी पेश किए, जो देश सेवा से प्रेरित उनके जो नृत्य थे, उनके जो गीत थे, बहुत अच्छा लगा। और आज बहुत सारी बातें हुई। आज जैसे जो प्रदर्शनी का अलग अलग विभागों के जो उनके द्वारा संचालित योजनाओं हैं, इससे एक झलक हमारे जो प्रगति का इतने दिनों में हम कहाँ हैं, इस बात का उल्लेख मिला। और मुख्यमंत्री जी ने भी अपने संदेश में इन चार वर्षों में जो अभी जो हुए हैं नवाचार, इन सब के बारे में संदेश का वाचन हुआ। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम देशभक्ति के साथ साथ हमारे विकास और साथ ही साथ एक मनोरंजन का भी एक अलग उत्साह देखने को मिला।